कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, यहां भी माया विघ्न करती है, मन भटकता है। जप करने बैठे हैं तब मन भटकता है। अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। ठीक, मतलब हम लोग ईश्वर के पास जाने का प्रयास करते हैं तो माया को अप्रिय लगता है, माया को पसंद नहीं है। हम सब प्रकार का मोह छोड़ के भगवान के पास जाएं, ये माया को प्रिय नहीं लगता। और माया का कोई एक रूप नहीं है, ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक है, बहुत परेशान करती। जीव अर्थात हम लोग और ईश्वर भगवान के मिलन में माया विघ्न करती है। माया आपको नचाती है, भौतिक संसार के आकर्षण में बांध देती है और आप भौतिक संसार के अंदर आनंद लेने के लिए नाचने लगते हैं। जो नाचती है और नचाती है उसे नर्तकी कहते हैं। नर्तकी नाचती है और नर्तकी के संग जब आप करते हो तो आपके भी पैर उठ जाते हैं, आप भी नाचने लगते हो। अब उस माया को समाप्त करने का, उसको जो विघ्न कर रही है उसको दूर करने का तरीका क्या है? तरीका एक ही है कि आप नर्तकी को उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन लगा के, शुद्ध मन से, सिंसियरली सीरियसली आप इसको करेंगे तो आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। अब माया मन को चंचल बनाती है, माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री बालक धन संपत्ति आदि में सुख है, इसी में आनंद है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है, मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु का जय जयकार नहीं करता। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए, मजबूरी में नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अरे 16 माला जपनी है भाई, बड़ी मजबूरी है, आज 25 माला जपनी है, बड़ी मजबूरी है, हो जाए किसी तरीके से, बस बस निबट जाए, बड़ा मुश्किल काम है। संसार के बाकी काम हमारे सामने हैं तो उसमें जो है हमें माला करनी एक मजबूरी लगती है, भगवान की सेवा करनी एक मजबूरी लगती है। कथा में भजन में प्रेम से भगवान का जय जयकार करना चाहिए, जिससे माया की हार हो और आपकी जीत हो। भगवान का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी जीत भी होगी और तुम्हारा भी जय जयकार होगा, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। चौथे तो अध्याय में कहते हैं 11वें श्लोक में, ये यथा माँ प्रपदंते तास्तय भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव के अनुरूप उसको फल देता हूं। अब दूसरी बात, पाप होते हैं। पाप कब होते हैं? जब आप भूख और तृष्णा को भूलेंगे नहीं। कृष्णा का मतलब है अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करने की इच्छा। आपके पास डिजायर, इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, समाप्त भी नहीं हो रही है। आप उन अनलिमिटेड डिजायर्स को समाप्त करने की इच्छा नहीं करते कि मैं किसी तरीके से इच्छाओं को समाप्त कर दूं, ऐसा नहीं होता है। तो जब भूख और तृष्णा रहेंगे, भूलेंगे नहीं आप उसको, खाना है जितना लिमिटेड, जितना जीवन के लिए आवश्यक है, तरह तरह के पकवान, बिना भगवान को भोग लगाए, बिना भगवान को अर्पित किए आप प्राप्त करना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, तो क्या है, उन सब के अरेंजमेंट के लिए आपको पाप कर्म करने पड़े। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। अब देखिए आगे जब कथा आएगी कि राजा परीक्षित की बुद्धि कब खराब हुई,
जब भूख और प्यास ने उसको तंग किया, तभी उसने सांप डाला गले में, वैसे तो डालता नहीं। सूत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनक आदि ऋषि जो हैं वो आसन पर विराजमान हैं। अतः जब दोनों अधिकारी हो जाते हैं तो भगवान का जय जयकार शुद्ध होने लगता है। कि भागवत की कथा अति दिव्य है, इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कानों में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि अगर आप धाम जाना चाहते हो, धाम के दर्शन करना चाहते हो, तो दर्शन कानों से करो, वहां कथा सुनो। भगवान के दर्शन तो आंखों से कर रहे हो, मैकेनिकल है, दर्शन हो गए, पर जब तक कथा कानों से नहीं सुनेंगे तब तक एक्चुअल दर्शन नहीं होंगे। तो यहां कहा जा रहा है कि कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कानों में से भगवान हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत्र, आंखें और कान को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री भगवान आते हैं। भगवान कृष्ण कानों में से, आंखों में से, मन में आते हैं। बार बार जो कृष्ण कथा सुनता है उसके कान में श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। बार बार सुननी, एक बार नहीं, तो वीडियो पोस्ट होता है तो उसको बार बार सुनना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ी बात आपको शायद हिट करे। हम छोटे हुआ करते थे, हर साल रामलीला हुआ करती थी, हर साल देखने जाते थे, एवरी ईयर इंतजार करते थे अब रामलीला शुरू हो गई है। अरे अब एक बार देख ली, खत्म हुई बात नहीं, जब जब रामलीला होती थी अपने एरिया में तब तक रामलीला देखने जाते थे। हम मेडिकल कॉलेज चले गए, हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने फिरोशा कोटला ग्राउंड में जो श्रीराम नाट्य कला केंद्र वाले जन्माष्टमी के भी, मतलब कृष्ण जन्म की भी कथा करते थे, नृत्य नाटक का डांसिंग पूरा 3 घंटे का शो होता था, और रामायण की भी करते थे, हम हर साल देखने जाते। उसके बाद हम इस्कॉन में आ गए, प्रैक्टिस में आ गए, इस्कॉन में आ गए, तो हम हर साल ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के अंदर श्रीराम भारती कला केंद्र वालों को बुला के कृष्ण का जन्म और उनका नाट्य कला किया करते थे। उसके बाद जब उनको बंद किया है तो सांसद जो हमारी हेमा मालिनी है उनको बुलाया करते थे प्रोग्राम्स करने के लिए, और बार बार देखते थे वही सीन, बार बार वही चीजें, बार बार, मतलब इतनी बार सुनते थे कि उसमें आनंद आ जाता था, क्योंकि वो आनंद जो है उसको फील किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम आपसे पूछें कि रसगुल्ला कितना मीठा था, तो आप कहें जी इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा, नहीं खा के देख ले भाई, खा के देखेगा तो पता लग जाएगा। तो बार बार जो कृष्ण कथा सुनता है, बार बार जो उसको सुनता है, कृष्ण उसके हृदय में पधारते हैं। अब पाप भी कान से मन में आता है, बातें सुनते हैं तो मन भटक जाता है, उसने कुछ कहा मन भटक गया, यही भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संग तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। मतलब आपको इंद्र विषयों का जब इंद्रियों से कनेक्शन हो जाता है तब आपकी उसमें आसक्ति हो जाती है उस विषय में, और आसक्ति होने के बाद फिर आपका जो है मन में इच्छा जागृत होती है और इच्छा के लिए आप कर्म करते हैं। और भगवत गीता में भगवान बार बार बताते हैं कि विहाय कामान ये सर्वान पुमान जगति निष्प्रह है, जिसने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है वही वास्तविक शांति। तो इच्छाओं का परित्याग आवश्यक है, तो इच्छा जागृत होती है जब हमारी इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग होता है, कान का विषय से संयोग हुआ तो आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई। अब पाप भी कान से ही मन में आता है, अब कान को आपने कृष्ण कथा श्रवण करा दी, अब जब भगवान की कथा सुनेंगे तो मन जो है भगवान में स्थिर हो जाएगा, कान से भगवान हृदय में आएंगे। अब श्री भगवान का हृदय में प्रवेश कराना है, हृदय में आपके विराजमान हो जाएं, उसके लिए हमारी देह में
आंखें और कान दो द्वार हैं, दो गेट हैं, दो रास्ते हैं, दो दरवाजे हैं, ये साधन हैं। अब होता क्या है, कई लोग जो है आंखों से तो भगवान का स्वरूप मन में उतारते हैं, और कुछ लोग जो है कान से श्रवण करके भगवान को हृदय में उतारते हैं। पर आपको दोनों से उतारना है, श्रवण भी करना है और दर्शन भी कर रहे हैं। तो अतः आंख और कान दोनों को पवित्र रखना, क्योंकि अब आपके मन में भाव है कि जहां मैं बैठा कथा सुन रहा हूं, भगवान के दर्शन कर रहा हूं, वहां जो है भगवान कृष्ण मेरे हृदय में पधारे हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ दर्शन तो हो नहीं रहे, कथा हो रही है, तो आप मानसिक रूप से भगवान के दर्शन करिए। मन से जो भगवान की छवि जो आपने मंदिर में देखी है, उस छवि को बार बार ही कैप्चुलेट करिए, बार बार याद करिए, बार बार स्मरण में लाइए, तो आपको जो है भगवान की छवि जो है आपके स्मरण में आएगी। अब कहते हैं कि कोई भी सत्कर्म करते हैं, कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, तो उसके पहले शास्त्रों में लिखा है कि शांति पाठ करना चाहिए। उस शांति पाठ का मंत्र जो है वो है ओम भद्रम कर्णे भी क्षणयम देवा तथे देव। कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आंख पवित्र हो, इससे हमारे सत्कर्मों का आरंभ होना चाहिए। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कान और आंखों को पानी लगाने को कहते हैं। जब आप यज्ञ में बैठते हो तो बोले पानी देते हैं, कानों में लगाइए और आंख में लगाइए, उनको पवित्र करने की विधि है। अब जब इंद्रियां आपकी विशुद्ध हो जाती है, मतलब ये भौतिक संसार के आकर्षण से हट गई और भगवान के आकर्षण में लिप्त हो गई, भगवान के आकर्षण में लग गई, तब उन शुद्ध इंद्रियों में भगवान का प्रकाश होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो, शुद्ध रखो, मन को भी शुद्ध करो और मन को भी शुद्ध रखो। इसीलिए भगवान भगवद गीता के 6ठे अध्याय जो ध्यान योग है उसमें कहते हैं मन और इंद्रियों को वश में करना। शुद्ध रखने का मतलब है मन और इंद्रियां आपके वश में होने चाहिए, माया के वश में नहीं। मन को भी शुद्ध रखो, इंद्रियों को भी शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। कान और आंख को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनक आदि मुनि कहते हैं इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं, 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है, राम जी नवमी के दिन प्रकट हुए और कृष्ण अष्टमी को प्रकट होके नवमी के दिन गोकुल में पधारते हैं, तब नंद महोत्सव होता है। अब भागवत में मुख्य मुख्य कथा है नंद महोत्सव, इस कथा के अंदर भी 18 श्लोक है। अब इसके ऊपर जो है आप जब पढ़ते हो इसको, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि यस नंद उत्सव कैसे मनाया गया। अब श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? श्रीमद् भागवत तो श्री भगवान का स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रख दिया, ऐसा 11वें स्कंद में मिलेगा आपको। भागवत शब्द की, भागवत की, भगवान जो है, भागवत जो है उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब श्री भगवान ने कहा कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली काल नहीं जा सकता। ये बात हमने आपको बताई थी जब राधा जी का शुक जो था उसको राधा राधा कहता था, तो राधा जी ने कहा तू कृष्ण कृष्ण कहा कर। जब कृष्ण और राधा दोनों अपने धाम में जाने लगे तो शुक ने कहा कि मैं किसके सहारे रहूंगा, तो राधा जी ने कहा तुम भागवत के सहारे रहोगे, जहां भागवत की कथा होती हो वहां जाके सुनना। तो भागवत जो है भगवान का नाम स्वरूप है और नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं।
मन के मैल को दूर करने के लिए शास्त्र जो है वो भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। इस कथा को सुनने के बाद भी यदि पाप करना चाहेंगे तो यमदूतों की ओर से दो चांटे और, हाँ तब यमदूतों की ओर से दो चांटे और खाने पड़े। क्या ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन क्या भाग, क्वेस्ट खुला हुआ है? क्योंकि अभी कोई नहा नहीं रहा ना। फॉर एनलाइटनमेंट एक पुस्तक है प्रभुपाद की, उसके 7वें चैप्टर के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहिए कृष्ण के धाम जाने के लिए। और कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो यहां लिखते हैं कि ईश्वर के साथ अर्थात भगवान के साथ प्रेम करने का साधन ये भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी धन संपत्ति भोजन आदि से तो प्रेम करता है, परंतु भगवान के साथ मन से प्रेम नहीं करता, इसीलिए वो दुखी है। अभी तक हमने भगवान के साथ अपने संबंध को समझा नहीं, इसीलिए हम दुखी हैं। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके जीवन में एक प्रसंग हुआ था। एक रंगदास नाम का सेठ था, वो एक वेश्या पर बहुत आसक्त था। एक दिन रंगदास और वो वेश्या भगवान रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। जो सेठ था वो वेश्या के सर पे छाता पकड़े हुए जा रहा था। उसी समय रामानुजाचार्य जो है मंदिर से बाहर निकले, उन्होंने ये दृश्य देखा। हल्की हल्की बांध बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, और सेठ जो है अपने पे छाता न करके वेश्या के सर पे छाता किए हुए है। तो ईश्वर के जीव, अगर ये भी जो है भगवान से मिल जाए तो इनका उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर रामानुजाचार्य उनसे मिलने गए। इग्नोर नहीं किया, उनसे मिलने के लिए चले गए। रास्ते पर जाके उस सेठ रंगदास से मिले और बोले, आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद, आई एम वेरी हैप्पी। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो, इस स्त्री की तुलना में मेरे भगवान श्री रंगनाथ बहुत सुंदर है। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा ही प्रेम रंगनाथ जी से करो। प्रेम करने योग्य तो भगवान ही हैं, ऐसा कहकर उन्होंने सेठ रंगदास को एक चांटा मार दिया। रंगदास को वही समाधि लग गई, वैष्णव के हाथ का चांटा खाया वही। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ और उस दिन के बाद रंगदास जी ने उस वैश्या को छोड़ दिया, किसी स्त्री से, पत्नी को छोड़ के किसी स्त्री से प्रेम नहीं किया। कथा से क्या मिलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि मनुष्य जो है अपने प्रेम का पात्र हर क्षण बदलता है। अभी बच्चे से प्रेम है, बच्चे प्रेम है, उससे प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, संसार से प्रेम है, समाज से प्रेम है, टीवी से प्रेम है, इस सब प्रेम का पात्र जो है हर क्षण बदलता रहता है, परंतु उसे कहीं भी संतोष और शांति नहीं मिलती। छोटा होता है तो माता से प्रेम करता है, बड़ा होता है तो मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हो जाता है तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ समय बीत जाने पर उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है, तब उससे कहता है तेरे से विवाह करके मैंने बड़ी भूल की। उसके बाद वो पुत्रों से प्रेम करता है, फिर धन से प्रेम करता है। आप इन सब को छोड़ के भगवान को प्रेम का पात्र बनो, जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना रहे। सबके साथ संबंध को निभाओ, संबंध निभाने से मना नहीं किया जा रहा है, पर समर्पण केवल भगवान के प्रति, केवल भगवान के प्रति। तो जब आप भागवत शास्त्र को बार बार सुनोगे तो प्रेम बढ़ेगा। अब होता क्या है कि आजकल का सिनेरियो जो चल रहा है, जो आज का समाज चल रहा है, उसमें लोग भक्ति तो बहुत करते हैं परंतु भगवान को अपने सुख भोग की आकर्षण जो होता है
उसके लिए साजो सामान पूर्ति करने के लिए साधन बना लेते हैं। भगवान के पास गए और उनके पास जाके रिक्वेस्ट लगा दी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा पंखा खराब हो गया है, हमने मैकेनिक को बुलाया है, उसने कहा जी 500 रुपया लगेगा, मोटर खराब बदल दूंगा ठीक हो जाएगी, और हमने 500 रुपया दिया, उसने पंखा ठीक कर दिया। उसने पंखा ठीक किया है, वो नौकर है, मैंने पैसा दिया है, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ। हम भगवान के पास गए, भगवान को जाके मिठाई दिया, फूल दिया, फल दिए, माला सब कुछ किया, भगवान को अर्पित किया, और भगवान से कहा बच्चा पास करा दो, बिजनेस चला दो, ये कर दो, वो कर दो, सुख शांति मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनखा, मतलब भगवान को ड्यूटी पे लगा दिया। तो हमने जो है भगवान को साधन बना लिया है अपने सुख के लिए। हमें क्या चाहिए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनखा, हमें वो चीज चाहिए। हम भगवान को साधन बना देते हैं और संसारिक सुखों को साध्य बना लेते हैं। एम है संसारिक सुखों का प्राप्ति करनी, अतः भक्ति सार्थक नहीं होती, लोग दुखी होते हैं। साध्य संसारिक सुख को नहीं बनाना है, साध्य बनाना है भगवान को, और साधन भक्ति है और कुछ नहीं। आप सोचें कि मैं जो है अपना भगवान को फूल अर्पित करके, फल अर्पित करके भगवान को साध लूंगा, नहीं। वो भाव से सत्य है, आपका भाव क्या है, आपके मन में भाव क्या है। फिर एक कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति को भगवान से मिलने की बड़ी लालसा थी। उसने जो है एक महात्मा जी से पूछा कि भगवान की मैं दर्शन करना चाहता हूं, कैसे होंगे? महात्मा जी ने कहा अच्छा, ऐसा है, भगवान की पूजा अर्चना सेवा बहुत सारी बातें बता दी, कहता बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहते अच्छा, तो एक काम कर सकता है, बोले बताइए। कहते भगवान को भोग लगाया कर, अब भोग लगा के उच्चिष्ट को खाया कर, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले अच्छा, ये कैसे होता है? आप आज के सिनेरियो में देखिए, शादी होती है, लड़का लड़की एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, क्यों भाई? प्रेम बढ़ता है। फिर पैसा बचाया जा रहा है क्या? 10 लाख 15 लाख रुपया बैंक में ढाल वाले को दिया, फार्म हाउस वाले को दिया, पर एक प्लेट बचा ली? नहीं। अब कहते हो प्रेम बढ़ता है, मतलब जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है, ऐसी भावना है लोगों के मन के अंदर। अब इसी भावना को आप भगवान पे लगाइए। हम भगवान को भोग लगाते हैं और जूठन को खाते हैं, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाते हैं, तो क्या भगवान से प्रेम नहीं बढ़ेगा? भगवान से प्रेम बढ़ेगा। हम जो है भगवान के साथ प्रेम बढ़ेगा। तो उस भक्त से कहा कि तू भगवान को भोग लगा के खाया कर। कहता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भिक्षा मांगता हूँ, जो मिलता खा लेता हूँ, नहीं मिलता भूखा सो जाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा तू मानसिक रूप से भोग लगाया कर, मन से भोग लगाया कर। कहता मन से भोग कैसे लगेगा? कहते मन से ये लो चूल्हा रख दिया, ये लकड़ियां ले आया, ये मैंने माचिस लगा दी, ये मैंने पतीला रख दिया, ये मैंने उसमें दूध डाल दिया, ये मैंने उसमें चावल डाल दिए, ये मैंने उसमें चीनी डाल दी, ये मैंने कड़छी से यूं हिला दिया, उबल गई, खीर तैयार हो गई, फिर मैंने उसे कटोरी में डाल दिया, फिर भगवान को अर्पित कर दिया। ना वह चूल्हा है, ना वह लकड़ी है, ना वह अग्नि है, ना वह पतीला है, ना वह कड़छी है, ना वह चावल है, ना वो खीर, कुछ नहीं है, मन से भगवान को अर्पित कर रहा। तो एक दिन मन में आया कि मैं रोज खिला रहा हूँ, देखूं तो सही भगवान खाते भी है कि नहीं खाते। तो देखा उसमें, उन्होंने कटोरी में उंगली डाली, उंगली जल गई। मानसिक रूप से कटोरी में उंगली डाल रहा है, उंगली जल गई है। बोले हाँ ये बात तो है, खाते तो है भगवान, मिलता तो होगा भगवान को, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन कैसे देंगे? मन में बड़ा तीव्र उत्कंठा है। तो एक दिन मन में आया कि भगवान को मैं जो है नींबू पानी पिलाता हूँ, शिकंजवी पिलाता हूँ। एक लोटा लिया छोटा सा, उसमें उसने 3 चम्मच चीनी डाल दी, अब पानी डालना है और नींबू डालना। उसके बाद देखा है छोटा लोटा है, चीनी ज्यादा हो गई, तो एक मुट्ठी निकाल लेता हूँ। तो उसने एक मुट्ठी निकालने का प्रयास किया, लोटे में हाथ डाला और एक चीनी की मुट्ठी निकाल रहा, तो किसी ने हाथ पकड़ लिया। साक्षात देखता है भगवान विराजमान है, हाथ पकड़े हुए। बोले भगवान प्रणाम करता, बोले ये बता तू क्या कर रहा था?
बोले मैं आपको जो है नींबू पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि चीनी ज्यादा हो गई है, 3 मुट्ठी डाल दी थी, लोटा छोटा था, पानी थोड़ा कम आएगा, तो मैंने 1 मुट्ठी वापस निकाल दी है। भगवान कहते हैं तूने कौन खर्चा किया था चीनी डालने में, 3 मुट्ठी डल गई थी, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा मीठा पी लेता, तो तेरा भाव पसंद है, मुझे चीनी चीनी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तेरे भाव को पसंद करता हूं, इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट। तो कथा जब सुनते हैं तो आप किस भाव से कथा सुनते हैं, आप किस मूड से कथा सुनते हैं, क्या आपका कथा सुनने का रहस्य है, ये आपको समझना। तो कथा में हास्य रस जो है वो कौन है, कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे, भगवान से विरह का, भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा का, भगवान से प्रेम की प्राप्ति का जो शोक जागृत करता है वह शोक है। कथा जो है शुद्ध हृदय से रोने के लिए, आपके आंसू आ जाए, कथा करते हुए आंसू आ जाए, गला रुंध जाए, और कथा सुनते हुए आपके आंसू आ जाए, गला रुंध जाए, तब कथा का आनंद है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए जो कथा सुनते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि मेरा आज तक का जीवन निरर्थक चला गया, तो कोई काम की बात नहीं करी। ऐसा भाव हृदय में जागे और फिर कथा सुने कि अब मेरा जीवन सार्थक होगा, अब तक का मेरा जीवन निरर्थक था, अब मेरा जीवन सार्थक होगा, तब आपको कथा सुनने का आनंद आएगा। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे, वैराग्य उत्पन्न ना हो, तो श्रवण किसी काम का नहीं। कथा सुनने के बाद फिर आपने गलत काम किया, पाप का कार्य किया, तो कथा का कोई फायदा नहीं हुआ। कथा सुनने के बाद आपने आप में वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ, फिर किसी काम के नहीं है। तो श्रीमद् भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से सद्गति मिलती है। श्रवण का अर्थ है कि भागवत के अंदर जो चीजें आपने सुनी हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना है, ज्ञान प्राप्त करके। ज्ञान मिलता है भक्तों की कथाओं से। भगवान ने भगवद गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। फिर कहा, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम भजा, सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कैसे शरण में आना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे भक्त बनना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे मन भगवान को देना है, मुझे नहीं आता। उस बात को समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए भागवत की रचना हुई है। इसमें भक्तों की कथाओं के माध्यम से भगवान के भक्तों की पूजा, भगवान भक्तों का सानिध्य है, भक्तों का भगवान से सानिध्य है, और भक्तों ने भगवान की स्तुतियां पूजा किस तरीके से करी हैं, लीलाओं से हमें क्या संदेश मिलता है, उस संदेश को ग्रहण करके फिर उनसे निष्कर्ष निकाल के उसके मूड के ऊपर चलना है, और तब जाके हमें बात समझ में आती है कि यस भागवत का हमने सही तरीके से श्रवण किया है। सिंपल सी बात बताता हूं, बात समझ में आ जाएगी। व्यक्ति थका हारा घर में आया, बेटे से कहता, बेटा एक गिलास पानी पिलाओ। बेटा टीवी मैच देख रहा है, पानी नहीं पिलाया, बैठ गया। फिर कहता, बेटा पानी पिलाओ, नहीं पिलाया, टीवी देख रहा है। फिर तीसरी बार कहता है, बेटा सुना नहीं क्या, मतलब मैंने 2 बार तेरे से कहा कि पानी पिला दे, तूने पिलाया नहीं, मेरे को मतलब जो सुना है वो कर, जो सुना है वो कर, सुना है वो तो किया नहीं। अब पिता ने कहा, बेटा मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, टांगे दबा दे जरा, मैं धूप में चलता रहा हूं, टांगे दर्द कर रही हैं। तो टीवी चल रहा है, उसको तंग हो रही है, उसके टांगे दबाएगा, टीवी की तरफ पीठ हो जाएगी, तो कंधे पे आ गया, कंधे दबाने शुरू कर दिए। पिता ने फिर कहा, बेटा कंधे नहीं टांगे दबानी है, नहीं सुना। फिर कहा, बेटा कंधे नहीं दबाने हैं, टांगे दबानी हैं।
फिर नहीं आया। फिर पिता कहता है, बेटा सुना नहीं क्या भाई, टांगे दबाने को बोलना हो तो टांगे दबाओ। मतलब श्रवण की महत्ता है कि श्रवण के साथ आपने जो चीजें सुनी हैं उसको आपने जीवन के अंदर लगाना है, तभी श्रवण मात्र से सदगति मिलेगी। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कह के बतलाया गया है। अब जो है गोकर्ण उपाख्यान स्टार्ट होगा। बिना दृष्टांत के सिद्धांत मन को नहीं छूता, एग्जाम्पल्स आर वेरी एसेंशियल। अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। ये कथा केवल रूपक नहीं है, उदाहरण नहीं है, सिमली नहीं है, ये कथा की लीला सच्ची है। और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है। अब गोकर्ण उपाख्यान स्टार्ट होता है। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। ये आपको सारी स्टोरी जो है पद्म पुराण में मिलेगी, उत्तराखंड में। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव पवित्र व्यक्ति है, भगवान की पूजा अर्चना साधना में लगा रहता है, पर धुंधली जो है वो सुंदर तो है परंतु स्वभाव की क्रूर है, झगड़ने वाली है और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली। अब आत्मदेव ने संतान है, उनके कोई संतान नहीं है। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान प्राप्त करने के लिए आत्मदेव ने बहुत सारे प्रयत्न किए परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। अब आज की डेट में तो डॉक्टर के पास चले जाओ, IVF करा लो, ये करा लो, वो करा लो। वो जमाने में तो मंत्र पूजा अर्चना पाठ आशीर्वाद इन चीजों से काम चलता था। उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आत्महत्या करने के बाद अपने ग्राम से निकल के वन की ओर गया है। अब घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा, नदी के किनारे एक महात्मा जी जो है भजन कर रहे थे। महात्मा जी मिले, आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लग गया। महात्मा ने उससे दुख का कारण पूछा, क्या दुख है तुम्हें? आत्मदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता हूँ, सेवा करता हूँ और मेरे पास धन की कमी नहीं है। लोग मुझे जो है दक्षिणा दे जाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, आई गॉट एवरीथिंग, बट मेरे बाद उस सामान को खाने पीने वाला कोई नहीं है, दिस नो चाइल्ड। अतः मैं बड़ा दुखी हूं, तो मैं मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहां नदी किनारे आया, नदी में डूबूंगा और प्राण दे दूंगा। महात्मा ने कहा तुम्हें कोई संतान नहीं है? बोले नहीं। तो भगवान की कृपा है? बोले भगवान की कृपा कैसे है? संतान नहीं है पर आप कह रहे हो भगवान की कृपा है, ये कैसे है? बोले पुत्र और परिवार ना हो तो समझ लो श्री भगवान ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। अब शास्त्र में लिखा है पुत्र तो दुख स्वरूप है, हम आज की देर में मानते नहीं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं भगवान आपको जैसी स्थिति में रखे वैसी स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। भगवान जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में आनंद मनाना चाहिए। समझ में नहीं आई बात? मैं क्या, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, कथा सुनाता। बोले सुनाइए। बोले एक बार एक नाथ महाराज विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। विट्ठल नाथ जी की मैंने कथा सुनाई थी आपको कल, ऐसे खड़े हैं भगवान विट्ठल नाथ, दोनों हाथ ऐसे किए हुए पंडरपुर में। एक नाथ जी को बड़ी सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसके लिए भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग मिला है। थोड़ी देर के बाद उसी मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने के लिए आए। भक्त तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कशा थी,
कर्कशा पत्नी के लिए तुकाराम जी भगवान का अवतार मानते थे। वो उस योग्य पत्नी है, उसको सत्संग कहते हैं, स्त्री का संग है उसके लिए भगवान का उपकार है, या पत्नी कर्कशा है उसके लिए भगवान का उपकार मानते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसके पीछे लगा रहता और आपको भूल जाता। अतः मेरी कर्कशा पत्नी मिलने पर भला ही हुआ है। एक नाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली, उसमें आनंद है। तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली, उसमें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है, भगवान का उपकार मानते। ये तुकाराम जी की एक छोटी सी बात और बताते। पत्नी ने कहा कि आज गन्ने लेके आना। गन्ने लेने रास्ते में उन्होंने जो है किसी जो खेत था गन्ने वाले का, उससे बोला कि मुझे कुछ गन्ने चाहिए। उसने एक इतना बड़ा ढेर गन्ने का बांध के दे दिया। अब गन्ने लिए घर की और चल दिए, चलो भाई कुछ दिन चूसते रहेंगे, पत्नी खुश हो जाएगी, बहुत सारे गन्ने हैं। रास्ते में मिल गए नटखट बालक, किसी ने एक गन्ना खींच लिया, किसी ने दूसरा खींच लिया, किसी ने तीसरा खींच लिया। पता लगा कि एक गन्ना बचा। अब पत्नी ने कहा था बहुत सारे गन्ने लेके आना, घर पहुंचे एक गन्ना बचा। पत्नी थी कर्कशा, तो पत्नी ने कहा ये लेके आए हो? गन्ना पकड़ा और तुकाराम जी की पीठ पे दे मारा, गन्ना टूट के दो हो गया। तो कहते देखो भगवान ने मुझे कितनी कृपालु पत्नी दी है, मुझे गन्ना तोड़ने का भी प्रयास नहीं करना पड़ा, वो भी टूट गया। मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी गन्ना तोड़ने के लिए, वो भी मेरी पत्नी ने तोड़ दिया है। तो एक गुजरात में है नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्होंने भी आनंद ही माना। उन्हें कहा अच्छा हुआ, कुटुंब का झंझट छूट गया, अब तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से गोपाल जी का भजन कर सकता। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी, तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई, फिर भी तीनों महात्मा अपनी अपनी स्थिति से संतुष्ट है, हैप्पी है। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है, मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है, मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है, आसान काम नहीं है। इसीलिए जो है शास्त्र में एक चर्चा आती है, चर्चा आती है कि तीन चीजों से हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए और तीन चीजों से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। सेटिस्फेक्शन किससे है? अपनी पत्नी से, भोजन जो भगवान ने आपको दिया है, और धन जितना ईमानदारी से मिल गया उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तीन चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या है? भगवान की प्राप्ति का अभ्यास, भगवान के नाम का स्मरण और भगवान की सेवा, इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। और करूं और करूं और करूं और, तो मन को शांत रखना भी बहुत बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु उत्तेजना के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। उत्तेजना के पीछे वितेषणा, वितेषणा के पीछे लोकेषणा आती है। वितेषणा मीन्स ज्यादा धन की प्राप्ति करनी है, समाज में मेरा ज्यादा सम्मान हो, ज्यादा मान हो, उसकी चिंता रहती है। तो आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा, क्या मुझे पुत्र दो? ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि पुत्र ही पिता को सदगति देता है, अपुत्र से गति नास्ति, जिसका पुत्र नहीं है उसको गति नहीं मिलती। तो जो महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है आपके कर्मों से। पुत्र मुक्ति नहीं दिला सकता, मुक्ति मिलेगी आपके कर्मों से। तो वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए थी। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से जीव अच्छी योनि में तो जाता है,
परंतु ऐसा मत समझो कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। श्राद्ध के अंदर आप श्रद्धा अर्पण करते हो, श्राद्ध के बाद आपने जो है जो मृत आत्मा जिसने कि लिंग बराबर शरीर धारण, इस अंगूठे के बराबर शरीर धारण किया है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, आपके घर में विराजमान है, उसको आप अपने घर से मुक्ति देके पितृलोक तक भेज देते हो, या अगले योनि में वो यमराज जी के आदेश के अनुसार चला जाता है। परंतु जिसके जिसको भगवान के धाम जाना है, उसके लिए ना लिंग शरीर की आवश्यकता है, ना मन बुद्धि अहंकार की आवश्यकता है, ना कर्म के फलों की आवश्यकता है। वो कर्म फल समाप्त हो गए, मन बुद्धि अहंकार समाप्त हो गया, सीधा धाम चला गया। अब श्राद्ध और पिंड दान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है, श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है कि आप पितृलोक चले जाते हो, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती, श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते, श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा है ना, उनके प्रति आपकी श्रद्धा है। पिंड दान का सही अर्थ कोई नहीं समझता। इस शरीर को पिंड कहते हैं, शास्त्र में वर्णन आता है, जब आत्मा का इस शरीर रूपी पिंड से वियोग हो गया तो मृत्यु हो गई। इस पिंड को, इस शरीर को भगवान को अर्पण करना ही पिंड दान है। टेक्निकली पिंड दान यही है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, शरीर मन बुद्धि श्रद्धा सब कुछ भगवान में तल्लीन हो जाए और भगवान को अर्पित हो जाए। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन को भगवान को अर्पण करे, उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा केवल आटे के पिंडदान से मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश ही क्यों करते। भगवद गीता भगवान एक ही बात कहते हैं, भाई आटे का पिंड बनाओ और अर्पित कर दो, तुम्हें बाकी भगवद गीता की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म। कुछ तो पहले पहले अध्याय में ही बात खत्म कर देते। नहीं, जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म अर्थात अकर्म, भगवान के प्रति किया गया कार्य। और सत्कर्म ही अपना ही किया हुआ है, किसी दूसरे के सत्कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, भौतिक संसार के अंदर दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं। आप जी ऐसा है, 1,25,000 के मंत्र का जप करा लो, करा लिया। आप 21,000 मंत्र का जप करा लो, करा लिया। कोई मेरे को तो आता नहीं, हम आपके लिए कर देंगे, आपको पैसे देने हैं बस। जब वो कर रहा है, फायदा मुझे कैसे हो जाएगा? खाना आप खा रहे हो, पेट मेरा वैसे भर जाएगा। पानी आप पी रहे हो, प्यास मेरी कैसे बुझ जाएगी? हम लोग कितने बड़े धोखे में रहते हैं। भौतिक संसार के अंदर भी हमारे दुखों का छुटकारा पाने के लिए हमें जो है सुख, वो सुख की प्राप्ति के लिए भौतिक संसार का आकर्षण हमें कंपेल करता है कि हम किसी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, खुद ना करके दूसरे से करवा लेते हैं, उसको फायदा होगा कि मेरे को फायदा होगा? तो स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है, तो व्यक्ति जो है स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। और गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, उदेत आत्मना आत्मानम् साधेत। स्वयं अपने द्वारा ही अपने आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें, आप ही उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर ना ले जाएं, नरक की ओर नहीं ले जाएं। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं नहीं करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन बड़ा हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय नहीं करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे? ये आत्मदेव को ज्ञान दिया जा रहा है। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। तो श्रुति कहती है, जब तक ईश्वर का अप्रोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं। भगवान के साथ अपने संबंध को समझना और उस संबंध को निभाना, दैट इज असेंशियल, वो आवश्यक है। कि आप किस तरह अपने संबंध को भगवान के साथ समझते हैं। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है, परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। यम यम भापी यम यम व्यापी स्मरण भाव, जीवन के अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त।
जो जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त होता है। भरत महाराज ने जीवन के अंतिम समय में हिरण के बच्चा जो छौना उन्होंने पाला था उसका स्मरण किया तो हिरण की योनि मिल गई। तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए, दैट इज असेंशियल फॉर यू। तो यह जानकर कि मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है परम पद की प्राप्ति के लिए, इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान करोगे, मतलब अपना शरीर भगवान की सेवा में अर्पित कर दोगे तो आपका तब आपका कल्याण होगा। अपना पिंडदान अपने हाथों से करो, मतलब अपने शरीर का दान भगवान को अपने हाथों से करो, वही उत्तम है। जो आपके शरीर में है, जो आपके पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो इस शरीर रूपी पिंड को भगवान को अर्पण करना है। तुम अपना पिंड दान स्वयं क्यों नहीं करते? घर में जो कुछ है ये सब भगवान की सेवा में लगा, अपना शरीर भी भगवान की सेवा में लगा, यही पिंड दान कर। पिंड दान का मतलब ये नहीं कि मर गए भगवान को अर्पित कर दिया। पिंड दान का मतलब है कि जीवित अवस्था में अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को भगवान में लगा देना। अब मेरा जो सब कार्य है वो भगवान के अंदर हो, मैंने अपने आप को उनके साथ जोड़ दिया है, उनके अंदर मैंने अपने आप को लगा दिया है, ये मेरा जो है असेंशियल है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, मतलब उन्होंने भगवान के लिए कार्य करना है। शुद्धि तभी मिलती है जब आप भगवान के लिए कार्य करते हो। और फिर कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में, जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्मों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ की ओर अग्रसर होता है। तो भगवान को अपने शरीर का समर्पण करते हैं। आत्मदेव को जब ये सारी बातें बताई जा रही हैं तो आत्मदेव को ये बातें जची नहीं, अच्छा नहीं लगा। उसने कहा आप सन्यासी हो, आप महात्मा हो, शादी तो आपने करी नहीं, आपको पुत्र सुख का पता नहीं है, तो पुत्र सुख से आप अपरिचित हो इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। माता पिता की गोद को बालक चाहे जितना मर्जी गंदा करे फिर भी माता पिता प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ये संसारियों का नियम है। आप बच्चे को गोदी में लेते हो, आपके वो शुशु कर देता, पॉटी कर देता, बड़े खुश होते हो, ओ शुशु कर दिया, ओ पॉटी कर दिया। टेक्निक चीज ठीक नहीं है, परंतु वो आपको सुख की प्राप्ति कराती है, क्योंकि भौतिक संसार के प्रति आकर्षण आपको कंपेल करता। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था, फिर भी आत्मदेव की समझ में नहीं आया। उसने दुराग्रह किया कि मुझे पुत्र दे दो वरना मैं प्राण त्याग कर दूंगा आपके सामने, मैं भी गंगा जी नदी में जाके डूब जाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने एक फल दिया उसे, कहते फल ले लो, इसको अपनी पत्नी को खिला देना तुम्हें पुत्र होगा। दशरथ जी को खीर मिली थी, पत्नी को खिलाई तो 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यहाँ कह रहे हैं ये फल है, अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव खुशी खुशी फल को लेके घर आ गए, अब पुत्र मिल जाएगा, अब मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, अब मेरी तसल्ली हो जाएगी। पत्नी को फल दे दिया। अब धुंधली जो है फल खाने के बजाय तर्क करी और कुतर्क करने लगी, तर्क और कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, अब उसका परिणाम क्या होगा कि गर्भ को झेलना पड़ेगा, फिर जब संतान पैदा होती है तो बहुत तकलीफ होती है वो झेलनी पड़ेगी, फिर बच्चे का लालन पालन करना पड़ेगा तो बड़ा दुख होगा,
बड़ी समस्या में आ गई है। फल तो मिल गया है परंतु उसको पसंद नहीं है। अब उसने अपनी छोटी बहन से बात कही तो छोटी बहन ने उसे कहा, मैं तुझे एक तरीका बताती, मेरे पास एक युक्ति है। बोली क्या? कि मुझे बालक होने वाला है, मैं वो बालक तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर कि मेरी संतान अब मेरे पेट में पल रही है। धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है परंतु बिना दुख झेले, दुख नहीं झेलना चाहती। ये मनुष्य का स्वभाव है कि सुख की इच्छा तो करते हैं परंतु बिना किसी कष्ट के, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पे धुंधली ने फल को गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र अपने घर में ले आई और जाहिर किया कि मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। अपना पुत्र मतलब जो बहन के यहां से लेके आई थी, उसका नाम रखा धुंधकारी। अब दूसरी ओर जिस गाय को फल खिलाया गया, उस गाय ने अपने जैसे कानों वाले एक मनुष्याकार बालक को जन्म दे दिया। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। कर्ण मतलब कान, गाय के समान कान वाला। दोनों बालक बड़े हो गए। गोकर्ण जो कि वो एक महात्मा के फल से प्राप्त हुआ था, तो पंडित बना, ज्ञानी हो गया। और जो धुंधकारी का पुत्र था वो दुष्ट निकला। जो बहन का पुत्र था धुंधकारी, वो दुष्ट निकला। अब भागवत की कथा को डिवीजन किया गया है 3 प्रकार से, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। जरा थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आएगी। कह रहे हैं कि अब ये सोचिएगा, कई बार जो है सिमली दी जाती है कि तुम्हारी गर्दन हिरण के समान है, तुम्हारी आंखें हिरण के समान है। हिरण की तो नहीं है पर देखने में ऐसा है। तो यहां जो है ये कहा जा रहा है कि पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते, मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। अब इसमें ये जो रूपक है, ये जो कहानी है, जो सच्ची कहानी है, इसमें जो कह रहे हैं कि मानव जो शरीर है वो तुंगभद्रा नदी के समान है। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाली और तुंग का मतलब होता है अधिक। मानव शरीर जो है सबसे अधिक कल्याण करने वाला है, क्योंकि इसी शरीर को प्राप्त करके आप भगवान के धाम जा सकते हो और किसी शरीर को प्राप्त करके भगवान के धाम नहीं जा सकते। अब गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली जो धुंधली बुद्धि है, वो प्रत्येक घर में धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। बुद्धि द्विधा बुद्धि वृत्ति धुंधली है। द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। आपकी बुद्धि भौतिक संसार के प्रति घूमती रहती है, ये सुख प्राप्त कर लूं, ये सुख प्राप्त कर लूं, ये सुख प्राप्त कर लूं, ये सुख प्राप्त कर लूं। मैं कौन हूं, मेरे स्वामी कौन है, बुद्धि इसका विचार नहीं करती। भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, इस बारे में बुद्धि विचार नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध तो बना है, किंतु जब तक कोई उसे महात्मा नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, आपकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सही मार्ग पे नहीं चलेंगे। तो आत्मा और बुद्धि का संबंध सही से मेंटेन करना, विवेकमयी बुद्धि चाहिए। विवेकमयी मतलब आप सही और गलत में भेद कर सकें, वो चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में लगे रहेंगे। जिसमें विवेक जागृत हो जाता है वो सही से सोचने लग जाता है, सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, तब वो मुक्ति के लिए प्रयास करता है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है।
विवेक जागृत कैसे होता है, आपकी आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जागृत कैसे होती है? वो जागृत होती है सत्संग से। जब आप सत्संग करते हो तब आपकी जो है बुद्धि जागृत होती है। विवेक जो है जब जागृत हो जाता है तो आपकी आत्मा को आनंदित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी बहुत समर्थ थे और पावरफुल थे, परंतु उनको अपने स्वरूप का, अपनी पावर का ज्ञान तब हुआ जब जाम भगवान ने उन्हें ज्ञान करवाया, तभी उन्हें पता लगा। इसके पहले उनको अपने स्वरूप का, अपने चीज का ज्ञान नहीं था। तो आत्मशक्ति जो है सत्संग से जागृत होती है, और सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं, ट्रांसडेंटल नेचर नहीं बनती आपकी। तो अब जो बुद्धि आपकी भौतिक संसार में उलझी हुई है, भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है, अपने इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित है, उसे जो है कोई विवेक रूपी फल दे दिया जाए, ज्ञान दे दिया जाए, भगवान का ज्ञान दे दिया जाए, तो उसे समझ में नहीं आता। अरे कहाँ फंस गए, जाके कौन फंसेगा, कौन जाए, ठीक है गए दर्शन किए आ गए, बस इतना बहुत है मेरे लिए। वो वहां पे जाके डिवोटी एसोसिएशन करके, भक्तों का संग करके जानने का प्रयास नहीं करता कि मैं इस भौतिक बंधन से कैसे बाहर निकल सकता। मन जो है बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है, मन स्वार्थी है। मन कहे या मत करना, सलाह सिर्फ भगवान की लेनी चाहिए, भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, भगवान के अनुसार चलना चाहिए। अब देखिए सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत का और भगवान का सहारा लेंगे, आसरा करेंगे, तभी शुद्ध होंगे। अब धुंधकारी कौन है इस रूपक में? धुंधकारी कौन है? धुंधकारी है जो सारा समय भौतिक संसार के सुख और कामना की चिंता करे, वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, केवल काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधकारी। अब सूत जी सावधान करते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी पांच वेश्याओं में फंस जाता है। ये भी एक रूपक है, रूपक है ये। पांच वेश्या कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय हैं पांच। पांच विषयों में फंस जाता है, ये पांच विषय ही वेश्याएं हैं, पांच विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। इन्हीं के आकर्षण से जीव बंध जाता है। शवस्ते भोजनम लिखा मिलता है कि वह शव के हाथों से खाता था। शव के हाथा कौन से हैं? मुर्दे के हाथ नहीं है, मुर्दा नहीं खिला सकता आपको, तो शव के हाथ कौन से हैं? शव के हाथ हैं कि जो हाथ भगवान की सेवा नहीं कर सकते, वो हाथ शव के हाथ हैं, उनको शव का हाथ कहा गया। जो हाथ भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो शव के हाथ नहीं है। पर जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, वो शव के हाथ है। जिन हाथों से कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार ना करें, वे हाथ शव के हाथ कहलाते हैं। अब धुंधकारी जो है स्नान करने, शौच क्रिया, डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं करता था ठीक से, काम ही था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान की एक्चुअल वैल्यू कब है ये समझिए आप। नहाना स्नान नहीं है, स्नान है कि आपने स्नान किया और उसके बाद संध्या वंदन किया, भगवान की सेवा करी, तब स्नान है। मतलब उसके बिना स्नान व्यर्थ है। हम उठे नहाए चले गए, नहीं, नहाने के बाद भगवान के दर्शन करना है, भगवान की धीप बत्ती कर दी, भगवान की सेवा कर दी,
तो पूजा अर्चना कर दी, तब जो है स्नान पूर्ण होता है, वरना स्नान पूर्ण नहीं होता। स्नान करने के पश्चात अगर सत्कर्म ना करें तो स्नान पशु के समान है, पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म ना किया जाए तो स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहीं है, उसमें शरीर भी स्वच्छ रखना है और मन भी स्वच्छ रखना है और बुद्धि भी स्वच्छ रखना, तीनों चीजें स्वच्छ रखनी। स्नान करने के बाद अगर भगवान की सेवा नहीं हुई, संध्या नहीं हुई, गायत्री नहीं हुई, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं हुआ, तो स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्र में तीन प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है वो ऋषि स्नान है। उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है वो मनुष्य स्नान है, और 6 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान है। इसलिए कहते हैं कि स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, और जप और पूजा अर्चना पाठ सब ब्रह्म मुहूर्त में हो जाने चाहिए। जब सूर्य उदय हो गया, सूर्य नारायण आकाश में प्रकट हो गए, तो आपने मंजन करी, शौच आदि किया, तो वो उचित नहीं है। सब पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है बुद्धि के स्वामी है। उनकी जब संध्या करते हैं सवेरे, जब सूर्य सूर्य जब उदय होने से पहले जब आप सब कार्य कर लेते हो तो आपकी बुद्धि तेज होती है। सम्यक स्थान ही संध्या है, संध्या और स्नान नियमित रूप से होना चाहिए। अब नित्य सत्कर्म करते हैं, उसको किया या नहीं किया, दो सिचुएशन है। अगर आपने सत्कर्म किए बिना भोजन प्राप्त किया, भगवान को भोग नहीं लगवाया, भगवान का भोग लगा प्रसाद नहीं खाया, तो आप पाप खाते हो। भोजनते तेघं पापाय पचन्ति आत्मकारणात्, गीता में कहा गया है 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, अन्न को पकाते हैं, अन्न को खाते हैं, वो पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, अपनी आयु का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं कंट्रोल नहीं करोगे, उसको दंड नहीं दोगे तो कौन देगा? दूसरा तो आपके मन को दंडित नहीं कर सकता, अपने मन को तो कंट्रोल आप ही को करना है। तो जब पुत्र का दुराचरण देखता है आत्मदेव, तो उसको ग्लानि होती है। उसने सोचा कि वह पुत्र ही नहीं रहता तो अच्छा रहता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति नष्ट कर दी, उसका व्यय कर दिया, अब वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है कि संसार असार है, ये दुख रूप है, मोह से बांधने वाला है, किसका पुत्र और धन भी किसका, किस चक्कर में फंसे हो पिताजी? अब संसार जो है वो तो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, माया का पुत्र है, और माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो गोकर्ण जो है आत्मदेव से कहता है कि अब अपना घर पार छोड़ के वन में गमन करो, वन में जाके रहो, घर के मुंह का त्याग कर दो, सब कुछ समझ बूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल आएगा और आपको बलात् छुड़ा देगा। तो ये जो देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, खून से बना हुआ पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो, ये संसार क्षण भंगुर है, इसमें किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग या मोह ना करो, केवल वैराग्य के रसिक बनो, भगवान की भक्ति में डूब जाओ। भागवत महात्म्य अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 79। संसार के मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। भगवान का संबंध स्थापित करना है तो संसार का संबंध छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, खाली बोतल लीजिए जिसमें हवा भरी हुई है, हवा रहती है बोतल में, पानी के टब में डालिए तो हवा बाहर निकलेगी और पानी अंदर जाएगा। हवा है संसार और पानी है भगवान।
जब पानी अंदर जाएंगे तो संसार का संबंध छूटता चला जाएगा, संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा। संसार के मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों में से वीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। छठे अध्याय में दो बातों की चर्चा हुई है, एक है मन और इंद्रियों को वश में करना और दूसरा है राग और द्वेष को त्यागना। ये दो बात हो जाए तो आप जो है भगवत धाम जाने के अधिकारी बन। संसार में आसक्ति नष्ट नहीं होगी तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होगी। आपको संसार की आसक्ति जो है उसको समाप्त करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है आपके पास। भगवान जो है 15वें अध्याय के अंदर बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र कुठार से काट गिराए। कौन सा वृक्ष है? भौतिक संसार की आसक्ति का, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा सुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? संसारिक संबंध से मुक्ति प्राप्त कर, और कोई रास्ता नहीं। संसार के विषयों में मत फंसे और ठाकुर जी के चरणों में रहो। ये देह अपनी नहीं है, आप इसे हमेशा रख नहीं सकेंगे, कल समाप्त हो जाएगी, अग्नि को समर्पित हो जाएगी, आपकी तो है नहीं। भगवान की भौतिक प्रकृति के जो अंग हैं उनसे ही तो देह बनी है। अब गोकर्ण जो है आत्मदेव से कहता है, पिताजी अब बहुत गुजर गई, थोड़ी सी रह गई जीवन, गंगा किनारे जाके ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर कृष्ण लीला की कथा में लगा दो, विक्षेप मतलब डिस्टर्बेंसेस। कृष्ण के प्रति भाव रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में और दोष दर्शन विघ्न करता है, दोष नहीं निकालना पर दोष दर्शन का त्याग करो। भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो पहले 3 श्लोक हैं उसमें एक एक पाठ है, दूसरों की छिद्रा अन्वेषण में अरुचि, मतलब गलतियां निकालने, छिद्र निकालने, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, भैया जो कर रहा है करने दे, तू अपना काम, तुझे उससे क्या मतलब, तुझे उससे क्या लेना देना, अपना काम कर। अब वो कहता है, पिताजी अब आप भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ, कृष्णमय जीवन हो जाए। बस भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं, पठन करते हैं हम, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके 6 अंग हैं, 6 पार्ट है इसके। क्या है? मधुरता, स्वीटनेस होनी चाहिए, आनंद आ जाए। स्पष्ट अक्षरोच्चार, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पदच्छेद का ज्ञान, जो आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके बारे में ज्ञान को प्राप्त करना। धीरज, धैर्य, लय, सामर्थ्य, एक लय होनी चाहिए बोलने में, सुनने में लय होनी चाहिए। और मधुर कंठ, आपकी आवाज मधुर होनी चाहिए। समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो, पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, एक एक लाइन ध्यान पूर्वक पढ़ो। जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, ध्यान पूर्वक सुनोगे अपने कानों से, तब आपके कान के अंदर जब बात जाएगी तो हृदय में उतरेगी। देखिए कान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक बात समझिएगा। एक व्यक्ति सो रहा है, निद्रा में है, आप उसको जगाना चाहते हो, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उसको हिलाओगे जागेगा, या आवाज लगाओगे तो जागेगा। आप कागज लेके लिखो जागो, और उसके आगे घुमाते रहो तो सो रहा है, उसको पता नहीं लगेगा। आपका
खंबे के पीछे आप खड़े हो, आदमी खंबे की इधर खड़ा है, आपने आवाज लगाई इधर आओ तो आ गया, आप अपने खंबे पे कागज घुमाते रहो तो नहीं उसको दिखाई दे रहा। तो श्रवण जो है उसका बहुत महत्व है कि श्रवण में जो बात सुनी जाती है वो हृदय में उतर जाती है। अब आत्मदेव गंगा किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा, एकांत में बैठकर मन को भगवान के ऊपर एकाग्र करने लगा। अब चंचल मन को आपको बांधना है, कैसे? विवेक से, विवेक से। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता है इंद्रियाणि प्रमाथिनि हन्ति प्रसभम मनः। भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। तो आपको मन को भी वश में करना है, इंद्रियों को भी वश में करना। ध्यान मग्न रहो, हमेशा भगवान के ध्यान में रहो, संकल्प विकल्प से मन को दूर। जो आपके मन के अंदर से बातें निकलती हैं उन्हें निकल जाने दो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो, मन में नई बात संकल्प डालो मत कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, नहीं, मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, भगवान की सेवा, बस ये मेरा संकल्प है और कोई संकल्प नहीं। भौतिक संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का मेरा कोई संकल्प नहीं। तो मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है और उच्च स्वर से जप पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो सुनाई देना चाहिए, मन ही मन नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, आपको सुनाई देना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू हेयर इट। आत्मदेव जो है लगातार भगवान के ध्यान में तन्मय बने हुए हैं। अब आप निवृत्ति करते हो, निषेध है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो क्या नहीं करना? भौतिक संसार का चिंतन। क्या करना है? सत्कर्म अर्थात भगवान का चिंतन। अब आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, अर्थात जब भगवान से उसका सानिध्य हो जाता है, संबंध हो जाता है, तो भागवत का जो आसरा लेता है वो अपने आप को भगवान से बड़ा बना लेता है। कैसे? कि भगवान कहते हैं कि मैं भगत के बस में आ जाता हूं। भगवान भक्ति में जो व्यक्ति इतना ज्यादा तल्लीन हो गया कि भगवान उसके सामने स्वतः प्रकट हो जाते हैं, उसको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रहती। भाव आना चाहिए, भाव आना चाहिए। एक व्यक्ति जो है अपने भौतिक लाभ के लिए उसने भगवान की एक छोटी सी मूर्ति ली और अपने घर में शेल्फ पे रख दी, भगवान की सेवा करता था। 1 साल बीत गया, कोई फायदा हुआ नहीं। धूप बत्ती सब ना, दिया बत्ती सब करता था, कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर रख दिया, किसी देवता को ले आया, विराजमान कर दिया, उसकी धूप बत्ती करनी शुरू कर दी। 2-3 महीने बीत गए, भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा उनके लिए, कुछ नहीं हो रहा, देवता के लिए पूजा अर्चना हो रही है। अब एक दिन जो है उसने देखा कि मेरी अगरबत्ती का धुआं ऊपर जा रहा है, भगवान के नाक में जाता होगा, भगवान को डिस्टर्ब करता होगा। भाव आ गया मन के अंदर, भगवान को नीचे उतारा, गोदी में रखा और सहलाने लगा, रोने लग गया, क्षमा मांगने लगा, भगवान मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, मैंने आपको ऊपर विराजमान कर दिया, ये अगरबत्ती का धुआं आपके नाक में जाता होगा, आपको डिस्टर्ब करता होगा, डिस्ट्रैक्शन देता होगा, भगवान प्रकट हो गए। बोला 1 साल तक तो आप आए नहीं, मैं आपकी रोज अगरबत्ती करता था। कहते तेरे मन में भाव क्या था? तेरे मन में मेरे प्रति भाव नहीं था कि मेरी नाक में भी धुआं जा सकता है, ये आज भाव आया है, मुझे प्रकट होना पड़ गया। तो आपको भगवान का जो भागवत का आसरा लेता है, भगवान उसके वश में आ जाते हैं। राधिकोपनिषद में लिखा है कि जो राधा जी को पूजा अर्चना करता है,
जो राधा जी के प्रति समर्पण करता है, भगवान का धाम उसके हाथ में आ जाता है। बहुत बड़ी बात है। पद्म पुराण में लिखा है, भगवान कहते हैं ये मेरी प्रिय राधा जी जो हैं, जो राधा जी की आराधना करता है वो मेरे धाम में आ जाता है, मेरा धाम उसके हाथ में आ जाता है। तो यहाँ जो है बात कहते हैं भगवान के दो स्वरूप है, एक अर्चना का एक नाम का। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है, पर वो सामग्री जिससे आप भगवान की अर्चना करते हो, पूजा करते हो, वो अर्चना स्वरूप है। अब नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती, भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। स्वरूप सेवा ठीक से भी नहीं होती है, कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई, और मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता। स्वरूप सेवा मतलब भगवान की सेवा का आनंद तभी मिलेगा जब भौतिक संसार से संबंध कट ऑफ कर लेगा। संबंध बना रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह, संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा। संसार के विषयों से स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। जो एसेंशियल है भगवान की सेवा के लिए उसे स्वीकार करो, जो एसेंशियल नहीं है उसे अस्वीकार करो, उसे रिजेक्ट कर दो। एग्जाम्पल दिया है, अग्नि सब कुछ जला डालती है, भस्मीभूत कर देती है, पर आप वो बुद्धि का प्रयोग करके उसको ठीक से इस्तेमाल करता। इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है, गीजर भी चलाती है, हीटर भी चलाती है, एसी भी चलाती है, आपको उसका ठीक से प्रयोग करना है कि कौन से मौसम में कौन सा स्विच ऑन करने से कौन सा गैजेट चलेगा। मीन्स विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह संसार को छोड़ नहीं सकता। आपको अनन्य चेता अपने शरीर का भी आकर्षण छोड़ना पड़ेगा। हेल्दी रहना है, ठीक रखना है, पर बनाओ सिंगार ये वो घंटों घंटे पता लगेगी 10,000 रुपया ब्यूटी पार्लर का खर्चा आ रहा है, वो सब समाप्त करना पड़ेगा। जितना चाहिए उतना घर में करिए, बस उससे एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा मन बार बार माया का विचार करता है तो मलिन होता है, और भगवान का नाम जो है मन सेवा की, मन की शुद्धि के लिए है। मंत्र का अर्थ यह है मन को तार देने वाला, मतलब मन को शुद्ध करने दे। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र ना हो तब तक भगवान नाम का जप करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता, मतलब अर्च विग्रह की सेवा में आनंद नहीं आता, क्योंकि मन व्यग्र है, मन चंचल है, अपना मन भगवान को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और अपने पापों का भान भी नहीं रहता। अपने इंद्र सुख के लिए, अपने काम सुख के लिए जब इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं तो विकर्म होता है, जब इच्छाएं मध्यम रहती हैं तो कर्म होता है, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो अकर्म होता है। अब आप भगवान की सेवा करते हुए हृदय पिघले, आंखें गीली हो जाए, आनंद मिले और हृदय में सात्विक भाव जागे, तब तो मानो कि सेवा सफल हुई है। हृदय की भावना के बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। आपको शुद्ध होकर भगवान की सेवा करनी है, और ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं, नियमों से नहीं, कायदे कानून से नहीं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। हमारे मन के अंदर अनेक जन्मों का मैल भरा हुआ है, और भगवान की सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है तो फल क्या है, भगवान की सेवा फलवती नहीं होगी। मन को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का जप करना आवश्यक है, नाम सेवा आवश्यक है। भगवान नाम का जप मन की अशुद्धि को नष्ट करता है, और मन की शुद्धि को नष्ट करती है श्रीमद् भागवत। कलयुग के अंदर कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम सेवा प्रधान है,
भगवान के नाम का जप करना नाम सेवा प्रधान है। श्रीमद् भागवत भी भगवान का नाम स्वरूप है। अब जप करते हो वो भी भगवान का नाम है, गीता पढ़ते हो वो भी भगवान का नाम है, भागवत पढ़ते हो वो भी भगवान का नाम है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही भगवान है, इससे अधिक और क्या कहें। भगवान का नाम भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम, एक भजन आया था, जब राम जी पुल बना रहे थे लंका पे, तो जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा होता था वो तैर जाता था, और जिस पे राम नहीं लिखा होता था वो डूब जाता था। तो भगवान का जो नाम है वो भगवान से भी बड़ा है। आप देखिए कि आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो आपका हृदय जो है शुद्ध होता चला जाए। अब जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हुआ हो, उस नाम को पुकारोगे तो अवश्य दृष्टिगोचर होगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब आप भगवान नाम का जप करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, जब आप उसमें इतना डूब जाते हो तो भगवान की लीला स्वतः आपकी आंखों के आगे उतरनी शुरू हो जाती है। जब मैं चैंटिंग में आपको पावर पॉइंट दिखाऊंगा तब तो इसको दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर कि प्रभुपाद ने क्या कहा। भगवान का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु भगवान का नाम सुलभ है। ज्ञानी पुरुष भगवान के नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि तो नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार। एक छोटी सी कथा है, सास और बहू दोनों कथा सुनने जा रही है, रास्ते में नदी पड़ती है, टखनों तक पानी है, आस्ता आस्ता घुटनों तक आ गया। दोनों ने नदी पार करी, कथा सुनने चली गई। कथा में जो कथाकार थे उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जो है आपको भव सागर से पार करा देता है, मतलब संसार समुद्र से पार करा देता है, समुद्र से पार करा देता है, दुखों की नदी से पार करा देता है। दोनों ने सुना, वापस आए तो पानी यहां तक आया हुआ था, यहां तक। अब बहू ने अपना भगवान नाम लेती हुई कुट 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 करती पार चली गई, सास के नारे पे खड़ी रही। बहू ने कहा, माताजी आ जाओ। अरे डूब जाऊंगी। माताजी आ जाओ ना, भगवान का नाम लियो, अभी तो महात्मा जी ने कहा था कि समुद्र पार करा देता है, तो नदी है, हो जाएगा पार, आप आ जाओ, मैं कर गई ना पार। नहीं, सास मैं हूं कि सास तू है, मेरी बात को काटती है, मैं नहीं आ सकती। उसका नाम पे विश्वास नहीं, ये सिर्फ कथा सुनाने के लिए है, वरना इतना पानी में अगर नहीं तैरना आता होगा तो डूब जाएगा। बट ये कथा है कि भगवान का नाम लेने से आप इस संसार रूपी जो मृत्यु सागर है उससे निकल के पार चले जाते हो, भगवान के धाम पहुंच जाते हो। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? बड़े से बड़ा पाप एक ही पाप है सबसे बड़ा, सोच के देखिए। पाप है भगवान के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव, फेथ नहीं है भगवान के नाम में। नाम को साधना, नाम के मार्ग पे चलना सरल है। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है, श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वही सफल होता है। तो आत्मदेव जो है श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंद का पाठ, केवल दशम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। अब आप कहो मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है। संस्कृत का ज्ञान ना हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद पाठ के अर्थ के साथ ज्ञान करो। यदि हम पढ़ते हैं प्रभुपाद की भागवतम पढ़ते हैं तो
शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसके बाद उसका अनुवाद दिया हुआ है, तो अनुवाद पढ़ लीजिए। संस्कृत पढ़ने की नहीं आती है, संस्कृत नहीं पढ़िएगा, कोई बात नहीं। भगवान के लिए भागवत जब पढ़ी जाती है, तो अगर आपने संस्कृत का श्लोक मान लो पढ़ लिया और समझ में नहीं आया, तो उस ज्ञान के बिना किया गया पाठ अधम है, बेकार है। आप वो उसका जो शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ है या अनुवाद है, उसको पढ़ के समझना। भगवान जल्दी से प्राप्त नहीं होते, तो जल्दी से कृपा नहीं करते, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है, तकलीफ सहन नहीं करना चाहता, उससे कटता है वो। भगवान की कृपा के लिए दुख को सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है, उसे यमराज भी दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10 से 12 घंटे रोज बैठता था। हमें भी आसन पर शांत चित्त से बैठना चाहिए। ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद आपको कथा में मिलेगा। जिस लीला की ये कथा है, ये प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन जो है ईश्वर से मिल रहा है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए, दृष्टा में स्थिर हो जाए, तो मन का निरोध होगा और आनंद प्राप्त हो जाएगा। तब आती है असंप्रज्ञात समाधि। ना अपना ध्यान है, ना प्रोसेस का ध्यान है, केवल भगवान का ध्यान है और किसी का ध्यान नहीं। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारे का व्यवहार उसे ही विक्षेप रूप होगा, तो वह भी वन में जा बसा। इसलिए इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं, जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लेती हैं। कत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमथिनि हरन्ति प्रसवम मनः, कि जो आपकी इंद्रियां हैं इतनी बलवान हैं, प्रबल हैं, वेगवान हैं, उस जीव के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर कहा गया है कि जब मन किसी इंद्रिय पर लग जाता है, इंद्रिय विचरणशील है, उस पर लग जाता है, उस मनुष्य की बुद्धि भी हर ली जाती है। तो जब मनुष्य जो है वो इंद्रियों के अधीन हो जाए, तो जीवन जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, कलुषित हो जाता है। मन को भगवान के साथ मैत्री करनी चाहिए, तभी सुखी होगा। भगवान से अलग होके जीव दुखी होगा, ये बात समझनी चाहिए। अब धुंधकारी जो है अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है, पैसा कमा रहा है, गलत रास्ते से पैसा कमा रहा है। राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया, वैश्याओं को दे दिया। वैश्याएं सोचती हैं यदि वह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी, ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़े, सो इस धुंधकारी को ही मार डाले तो अच्छा है। ऐसा सोचकर उन वैश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी से बांधा, गले में रस्सी का फंदा डाला, परंतु तो धुंधकारी इतनी जल्दी मरता नहीं। कि पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। पांचों इंद्रियां भटकते भटकते अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं। उस समय जीव तड़पता है, छटपटाता है। उसके बाद वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वैश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से घृणा हो जाए, वह धुंधकारी है। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है, और पापी ही प्रेत बनता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधकारी का मृत्यु का समाचार सुना, वह गया जी का, उसने वह धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया करी। अब गया जो है, उसके बारे में 1 मिनट की चर्चा है कि गया श्राद्ध जो है श्रेष्ठ माना गया है, कि वहां विष्णु के चरण हैं,
की कथा इस प्रकार है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या मुझे वरदान देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगो। गयासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है, आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगो। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए, तो ये असुर कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने सोचा, इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने से ये मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसके शरीर को मांग लिया। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पे बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर मरा नहीं। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर उठने लगा तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। चिंता तो रो गए, ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। जब भगवान नारायण का ध्यान किया तो नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे, विष्णुपाद। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा, किस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करेगा उसके पितृगण सदगति को प्राप्त करेंगे। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंड दान करेगा उसके पितरों को मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वालों पितरों की मुक्ति होती है। यह आपको छोटी सी कथा गयासुर के बारे में बताई। गोकर्ण बाद में अपने घर में लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर जब पाप का दंड भुगतता है तब वो रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव बनना है या प्रेत बनना है आपके हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? तो प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो सब मुक्त हो जाते हैं। प्रेत ने कहा, गया श्राद्धो शतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल श्राद्ध मात्र से उद्धार नहीं हो सकता। उसने कहा, केवल श्राद्ध मात्र से उद्धार नहीं हो सकता। अब देखिए, गोकर्ण ने पूछा, तब तुझे सदगति कैसे मिलेगी? मैं क्या करूं? फिर गोकर्ण ने सोचा, कल मैं भगवान सूर्य से पूछूंगा। अगले दिन गोकर्ण ने भगवान सूर्य को जल का अर्घ दिया और उनसे पूछा, भगवान रुकिए। तो सूर्य नारायण रुक गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। त्रिकाल संध्या से चूकना नहीं चाहिए। यशस्वी त्रिसंध्यम, तीनों काल में हमें संध्या करनी चाहिए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। इस भागवत की कथा कर। शास्त्र से जिस आत्मा को मुक्ति नहीं होती उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति प्राप्त होती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया किंतु उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके भी बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया। ये है भागवत कथा का महत्व। बांस जड़ है, चेतन नहीं है, पर जब जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों नहीं टूटे? एक उदाहरण दिया है। विवाह में दो व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं, उनका गठबंधन होता है। पति पत्नी का स्नेह ही तो गांठ है। उस गांठ का छूटना कठिन है। तो भगवान की सेवा करने के लिए हमें जो साथ मिला है
पति और पत्नी का, उससे पति पत्नी सुखी हो सकते हैं अगर हम दोनों भगवान की सेवा में लग जाते हैं। बास अर्थात वासनाएं, वासनाओं में धुंधकारी रहा था, बांस की सात गांठ अर्थात वासनाओं की सात गांठ, वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय प्राप्त करना ही सुखी होने का मार्ग है, अर्थात भगवान के धाम जाने का मार्ग है। मनुष्य मोह को छोड़ नहीं सकता, वासना अर्थात आसक्ति सात प्रकार की होती है, आसक्ति सात प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति अर्थात पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर पार की आसक्ति और अपने ग्राम नगर की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग कर रहना है साथ में, पर लिप्त नहीं होना, लिप्त नहीं होना है, अलिप्त रहना है। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये सात गांठें कही गई। जीव इसमें बंधा हुआ है और जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है, तो आपके करने से मुक्त नहीं होगा, मुक्त उसे स्वयं होना है, प्रयत्न उसे स्वयं करना है, तभी मुक्त हो पाएगा। जैसे हमने बताया कि वासना का रूप है, जीव वासनाओं में फंसा हुआ है, वासना से ही जीव में जीव भाव आया है, आनंद करने की स्थिति के लिए भगवान के नाम छोड़ गया है वो। वह निष्काम था तो सकाम बन गया। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक ना छूटे तब तक जीव निर्मूल नहीं होता, अर्थात भगवान के धाम नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है, भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती हैं। भगवान से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगती हैं। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे, वही एक सत्य है, ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करोगे तो वासनाओं की ग्रंथियां टूट जाएंगी। चश्मा एक फिर छोटा सा उदाहरण है। एक गृहस्थ का नियम था, मैं 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए, उसने ब्राह्मण से कहा, मैं कि कथा नहीं सुन सकूंगा तो मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा, ये कथा सुनने से पुत्र भी इतरागी बन गया, संसार गुफा में चल दिया, छोड़ दिया तो क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, क्या तुम वीतरागी बने? तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र वैरागी कैसे हो जाएगा। यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं पर मन की गांठ नहीं छोड़ते। अगर उसने मन की गांठ छोड़ दी तो वीतरागी हो जाएगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए, मन का भौतिक संसार से आकर्षण छूटना चाहिए, मन और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, मन और इंद्रियां बुद्धि वश में होनी चाहिए। जीव जब तक संसार का सुख का त्याग मन से न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भक्ति में एडवांस तभी करेगा, इसीलिए भगवद गीता का 6ठा अध्याय है कि मन और इंद्रियों को वश में करना। भोग का भी त्याग नहीं करना है, भक्ति भी करनी है, ये कैसे हो सकता। दोनों कार्य, भौतिक संसार का भी आध्यात्मिक संसार का भी कार्य साथ साथ कैसे चल सकता है। धीरे धीरे मन को और अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए, स्वभाव के सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होगी। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज नॉट ए सडन प्रोसेस, हौले 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 आगे बढ़ना। जीव जब तक संसार का सुख का त्याग मन से ना भी करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का भी त्याग नहीं करना, भोग मीन्स जो आपको जीवन में रहने के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तु है, सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त करके इसमें इस्तेमाल में लेने की, उनको यूज करना, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ये भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापुकारी, महान पापी, धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है, इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति की प्राप्ति हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान,
वो कर ने पार्षदों से पूछा, केवल धुनकारी को लेने के लिए विमान क्यों लाए, किसी अन्य को लेने के लिए क्यों नहीं? विमान किसी अन्य के लिए क्यों नहीं आते, धुनकारी के लिए क्यों आए हैं? पार्षद कहता है, वह एक आसन पर बैठता था और अनशन करता था, रोज कथा का मनन करता था। सुनता नहीं, सुनता तो था ही, सुनने के बाद कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन में निवास करना ही उपवास है, और उपवास के समय कुछ भी खाने से पूर्ण उपवास नहीं होता। कथा सुनकर केवल धुनकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुनकारी की ही तरह सुननी चाहिए, उस कथा का मनन करना चाहिए। कथा का मनन करना आवश्यक है। अगर आप कथा का मनन नहीं करते हो तो आपने जो है कथा को सुना नहीं। और कथा का मनन करना चाहिए और कथा का निधि ध्यासन करना चाहिए। निधि ध्यासन क्या है? इसके बारे में कहा है कि शास्त्रों के जो अर्थ हैं, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस अर्थ को समझना है। कैसे? कि जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो, और किस भाव में इस्तेमाल किए हैं वो, किस भाव से उनको कहा गया है, उस सब को समझना है। आपको मुक्ति के लिए चलना है तो भगवान का ध्यान कैसे लगाना है, डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, उस सबको एनालाइज करना है। ये मनन है, निध्यासन है, निधि ध्यासन नहीं। तो आपको जो है श्रवण मनन और निधि ध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है, तब मुक्ति मिलती है। अदृढ़ चय हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही यतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपः। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। दृढ़ होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा, निष्ठावान होना पड़ेगा। उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ। श्रवण में सीरियसनेस होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंत्र के ऊपर संदेह करते हैं तो मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ? वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देह गेहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे कथा हो रही थी। मैंने पहले भी बात बताई थी आपको, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। ना एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है, गर्मी का मौसम है, शाम को सब गर्मी पसीना पसीना हो रहे हैं, पर कथावाचक की कथा बहुत बढ़िया है तो कथा सुन रहे हैं। अब कथा सुनते हुए जो है उनके मन में कोई किसी भौतिक संसार के प्रति भाव नहीं है। तो एक कथा सुनने वाला पीछे बैठा था, एक ठंडी हवा का झोंका आया तो अगले आने वाले से कहता है, आहा कितना ठंडी हवा का झोंका आया है, आनंद हो गया। तो आगे वाले ने पीछे मुख किया अपना, बोला, चुप, कथा सुन, या ठंडी हवा का झोंका लेने आ गई, कथा सुनने आया, कथा में ध्यान लगा। मीन्स उनको जो है हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, ठंडी है कि गर्म है, इससे कोई चिंता नहीं है। चिंता है कथा का कोई शब्द मिस नहीं हो जाए, कथा का कोई शब्द जो है रह ना जाए, इस बात की चिंता है। तो मैं भगवान के साथ तन्मय होना चाहता हूं, ऐसी भावना रखनी। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा का श्रवण सार्थक होगा। सुनना है और मनन करना है, उसके ऊपर विचार करना है। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में पुरोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो यह उत्तम तो है, परंतु मनन ना करें तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात वो कर श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उसी समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति
प्रकट होती है, मतलब भागवत की कथा सुनते हैं तो भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति बढ़े, उसी से मुक्ति होगी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। आप भक्ति किए जा रहे हो, भक्ति क्यों कर रहे हो भाई, किसके लिए कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका ज्ञान होना चाहिए। और भौतिक संसार से संबंध विच्छेद होगा, ये वैराग्य होना चाहिए। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी, मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए। ये भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूं, तुम वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार जी कहते हैं, जो मनुष्य कृष्ण कथा करे, कीर्तन करे, पर ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो तो उसको सदगति मिलती है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है, वही आनंद श्रीमद् भागवत की कथा में मिलता है। परंतु शर्त यह है कि इस कथा का श्रवण प्रेम पूर्वक किया जाए, प्रेम से। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है कि मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, ये तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिला देता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने मातम में भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है कि सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित होता है। जब हम लोग बचपन में छोटे थे, सत्यनारायण की कथा किया करते थे। पूर्णिमा के दिन चूरमा बनता था और हमारे पिताजी जो है सत्यनारायण की कथा किया करते थे। तो कहा जाता है कि सत्कर्म को विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म करने में देरी मत करो। सत्कर्म क्या है? भगवान की सेवा, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। धर्मराज के पास जाके याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। ये युधिष्ठिर की बात हो रही है। सभा चल रही थी, एक याचक ने आके दान मांगा। युधिष्ठिर ने कहा अगले दिन आना। भीमसेन ने बातचीत सुनी और शंख बजाना शुरू कर दिया। विजय तो तुम भी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा भीम तो पागल हो गया, इसको क्या हुआ, अच्छा भला बैठा हुआ था सभा के अंदर ही बजाने लग गया। क्योंकि विजय दुदुम्बी विजय के समय बजाई जाती है, जब आपको जीत मिलती है, विजय होती तब बजाई जाती है। तो उनसे पूछा, भीम पागल हो गए हो क्या, यहां कौन सी चीज में विजय प्राप्त हो गई, या तो सभा चल रही है, सभा में सब बैठे हुए हैं और तुम जो है विजय दुदुम्बी बजा रहे हो। तो भीम ने कहा कि आज हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने काल को नियंत्रण में कर लिया है। बोले कैसे? बोले ये जान गए हैं ये अगले दिन भी जीने वाले हैं, तभी याचक को कल के लिए बुलाया, तभी याचक को कल के लिए बुलाया है। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं तो दुदुम्बी भी बजा रहा हूं। धर्मराज को अपनी भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। मैं प्रचार करने के हेतु बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा करता था, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता था। नाम में, सीरियल में, सीरियल में कुछ थोड़ा सा अंतर आ सकता है। सिखों के जो गुरु का सिलेक्शन हुआ, शायद दूसरे से तीसरे का हुआ, सेकंड गुरु से तीसरे गुरु का सिलेक्शन हुआ, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने बाद एक गद्दी किसे दोगे, हु विल बी नेक्स्ट गुरु, कौन गुरु बनने के योग्य है। उन्होंने कहा मैं इम्तहान लूंगा, एक इम्तहान लूंगा, जो इम्तहान में सफल होगा वो गुरु बनने के योग्य होगा। मैंने कहा कहिए। तो सारे शिष्य आ गए, सब शिष्यों से पूछा, भाई तुम कितने साल जीने वाले हो? बोला अभी तो मैं 40 साल का हूँ, 60 साल तो और जीऊँ भाई। दूसरे से पूछा, बोला 50 का हूँ, 50 साल जीऊंगा। बोला 45 का हूँ, 55 साल जीऊंगा। बोला 60 का हूँ, 40 साल और जीऊंगा। हर एक ने अपनी अपनी बात बताई, अभी मैं इतने साल जीऊंगा। तो इफ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, हो सकता है नाम में गलती हो। तो गुरु अमरदास से पूछा,
कि तुम्हारा क्या विचार है। अनेक जवाब दिया, जो सांस अंदर गया है बाहर आए ना आए मालूम नहीं, पता नहीं जियो कि ना जियो। तो ये मेरा मेरे बाद मेरे गुरु पद का अधिकारी होगा। तो धर्मराज से कहा, भैया इनको तो ज्ञान हो गया कि कल तक जिएंगे, ये याचक को कल बुला दिया है। तो कहा गया है कि हालांकि भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान सब बातें जानते हैं, परंतु कथा की दृष्टि से, समाज में व्यवहार की दृष्टि से भगवान राम कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, मैं तो कल राज्याभिषेक होने वाला, मुझे वनवास मिल गया, मैं भी नहीं जानता था। ये लीला है, भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, परंतु ये लीला है, भगवान कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम था कि कल क्या होने वाला। तो धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। इसलिए कहा जा रहा है, कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फेर ही करेगा कब। जो कल करना है उसे आज करो, डिले क्यों करते हो, सत्कर्म को तत्काल करो। भव रोग की औषधि है भागवत कथा, इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त। भौतिक इस भव रोग क्या है, भव रोग है कर्मों का बंधन, भव रोग है भौतिक संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम को प्राप्त होना। तो इस भव रोग में बीमारी है, इस भव रोग के इलाज क्या है, इलाज है भागवत कथा, औषधि है भागवत कथा। हम लोग रोगी हैं, मतलब जीव जो है रोगी है, और सबसे दुखदायी रोग, सबसे कष्टदायक रोग क्या है, रोग है भगवान से वियोग। हम भगवान को भूल गए, भगवान से वियोग है। इस वियोग का जो रोग है उसके निवारण के लिए भागवत का सहारा लो। आपका भगवान से मिलन चाहिए वो ज्यादा अच्छा है कि विरह चाहिए वो ज्यादा अच्छा है। और विरह हो गया है, उसमें आनंद आ रहा है उनको, तो भौतिक संसार का आनंद भोग रहे हैं, बट भगवान के साथ जब आध्यात्मिक ज्ञान में लगते हैं, भगवान के साथ जब प्रेम करने के लिए भागवत शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारा जो रोग है, जो भौतिक संसार का आकर्षण हमारा रोग है, उसकी इलाज के लिए कुछ आहार विहार के नियम पालन करते हैं। जैसे कि कथा को सुनने के लिए भी, कथा कहने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, नाम जप के लिए भी कुछ नियमों का पालन, भगवान की डीटी वर्शिप करते हैं उसके लिए भी नियमों का पालन करता है, भगवान को भोग लगाते हैं उसके लिए भी नियमों का पालन करता, नियमों का पालन करता। तो शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए, शुभ मुहूर्त। अब हमारे पास तो मुहूर्त का टाइम ही नहीं है, मतलब अब हम जो है जिस मुहूर्त में कथा होनी चाहिए वो समय तो हमारे पास है नहीं। तो हम ये कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान जिस समय भी मैं आपकी कथा करूं वही मेरे लिए शुभ मुहूर्त हो जाए, जिस समय आप कथा सुने वही आपके लिए शुभ मुहूर्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे जो शुभ मुहूर्त जो शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार ही कथा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवद गीता की पढ़ाई जो है आपको समझना है, पढ़ना है, सवेरे करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। मैं नहीं कर पाया, स्पष्ट बताता हूँ, नर्सिंग होम चलाता था, मरीज देखता था, सारी सारी रात जागना पड़ता था पेशेंट्स के चक्कर में, मैं सुबह नहीं कर पाता था। तो मैंने एक नियम बनाया, वो आज भी मेरा नियम कायम है, कि मैं सारा दिन अपना काम करने के बाद रात्रि में जब भोजन प्राप्त कर लेता हूँ उसके बाद मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ग्रंथ पढ़ता हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाए। जब नींद आ जाए किताब साइड में रख दी, सो गए। मैंने उसी से सीखा है, वही मेरा टाइम पढ़ने का था, वही मेरा टाइम नोट्स बनाने का था, वही मेरा टाइम ज्ञान प्राप्त कर, उसी से जो भी मैं आज हूं उसी समय के अनुसार है, वही मेरे लिए शुभ मुहूर्त था, वही मेरे लिए पुण्य मुहूर्त था। भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान सारा दिन मैं
अपने भौतिक संसार के कामों में उलझा हुआ था, मुझे समय नहीं मिला है, अब मेरे पास समय है, रात मेरी है, मैं जागूं या सोऊं। तो मैंने अपनी निद्रा को 4 घंटे रखा हुआ है, 4 आवर्स ओनली, 4 घंटे रात में सोता हूँ। दिन में सो मौका लग गया तो 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा सो लिया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। पर रात्रि की मेरी निद्रा मेरे कॉलेज के डेज से, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में पढ़ता था, तब से मैं 4 घंटे सोता, उससे ज्यादा मैं नहीं सोता। घर के काम करता हूँ, पारिवारिक काम करता हूँ, हर वक्त मेरे कमरे में भगवान की फोटो लगी सामने, हर वक्त मरीज का दवाई लिखता हूँ, भगवान की फोटो सामने है, लेफ्ट में मरीज देखता हूँ तो भगवान की फोटो सामने है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट मेरे पढ़ने का टाइम, मेरे ग्रंथ को पढ़ने का टाइम, शास्त्र को पढ़ने का टाइम रात का है, रात्रि में नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, पर मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ जो है कहा है कि शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए, हमारे लिए शुभ मुहूर्त है नहीं, सब व्यक्ति अपने अपने जाल में उलझे हुए हैं। तो कथा वक्ता के लिए भी जरूरी लक्षण बताए गए। पहला लक्षण है विरक्त भाव। सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं। सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे, प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखते थे, प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। थोड़ा थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, संसार से विरक्ति आ रही है, जो चीज बहुत असेंशियल है वो इस्तेमाल करते हैं, जो असेंशियल नहीं है उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं उसको। प्रत्येक स्त्री को माता कहते हैं, कोई किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, प्रत्येक पुरुष को प्रभु जी कहते हैं, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं। सूत जी सावधान करते हैं, क्या अर्थ है वैराग्य का? वैराग्य का अर्थ है कि आपको अपने भोग विलास के लिए वस्तुएं उपलब्ध हैं, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, परंतु आप उनके प्रति आकर्षित नहीं हो, यह वैराग्य है, ये वैराग्य है। चीजें अवेलेबल हैं, सुविधाएं हैं, फाइनेंसिस भी हैं, आप उसको ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, परंतु उपलब्ध होने पर भी आपका मन उनके प्रति आकर्षित ना हो। संसार का, जगत का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जगत को भोग दृष्टि से देखना, उसका त्याग करना, अपने दृष्टि के विकार को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, कामना की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से नहीं देखना। दृष्टि का दोष जब चला जाएगा तब हमारा जो है भगवान के प्रति आकर्षण पैदा होगा। तो उपदेश करता ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञ होना चाहिए, उसको ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्ञान प्राप्त करने की भी इच्छा होनी चाहिए कि यस मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसे धीर होना है, गंभीर होना है, और दृष्टांत कुशल होना है, एग्जाम्पल दे दे के, उदाहरण दे दे के आपको समझा सके। वक्ता अति निष्प्रही होना चाहिए, उसके अंदर कामनाएं नहीं होनी चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है, जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। पद प्रतिष्ठा विनिर्मुक्तम, पद की इच्छा नहीं है, प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, उससे मुक्ति प्राप्त करनी। जब भी कथा का श्रवण करें तो संसार से निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता को और श्रोता को चाहिए कि आंख, मन, वाणी, कर्म और इंद्रिय से अपने आप को कंट्रोल में रखे, हर चीज को कंट्रोल में रखे। जब मन को कंट्रोल में रखेंगे, इंद्रियां कंट्रोल में रखेंगी, तो बाकी सब चीजें कंट्रोल में आती चली जाएंगी। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है, उसका संबंध भगवान से जुड़ता है, और भागवत भगवान का साक्षात रूप है, ये श्री भगवान का वांगमय रूप है, शब्द रूप है। वेदांत में अधिकार अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द आदि षट संपत्ति यह मूत्र फल भोग बिना वेदांत अधिकार के प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के तीन विभाग किए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं, ये हमने चर्चा करी थी शनिवार को। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएगा, तुम्हें निर्भय और निसंदेह करेगा। भागवत में श्लोक 18,000 क्यों हैं? 8 प्रकृति के अंश और 9वां ईश्वर, अतः पूर्णता हुई। नवम अंक जो है पूर्णता दर्शी है। खान पान व्यवहार पत्र लिखन सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। इस एक ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। ये ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का स्वरूप है। जगत और ईश्वर अर्थात जगत भगवान और जीव, जगत जीव और ईश्वर आदि से संबंधित संपूर्ण ज्ञान भागवत से प्राप्त होता है। भागवत कितना सुना तो कहेंगे, जितनी बातों को जीवन में उतारा गया, श्रवण की कई बातों का मनन करो, उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है, व्यवहार में व्यवहार के काम में लाया गया ज्ञान ही सार्थक होगा। प्रभु के भगवान के दिव्य सद्गुणों को समझो और उनमें से जो जीवन में उतार सकते हो जीवन में उतारो, और पूर्व जन्म का विचार मत करो। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला को देखने की मांग करी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मना कर दिया कि देखने से दुख होगा, फिर भी राजा जनक ने दुराग्रह किया। तो ऋषि ने राजा को उसके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। बड़ा दुख हुआ। अतः तो यही इच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करें, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान के साथ संबंध बनाओ। भगवान के साथ जितना संबंध बनाओगे उतना भक्ति में आगे बढ़ोगे। संयम का पालन करो, तपस्या करो, भगवान मिलेंगे। आत्मा का धर्म तो है भगवान के सम्मुख जाना। आत्मा का धर्म है भगवान के सम्मुख जाना। अब यहाँ पे जो है बार बार चर्चा जो है 9 के अंक की हुई है। 9 के बारे में चर्चा हुई है, तो 9 के बारे में हम देखते हैं, कोई थोड़ी सी चर्चा अगर कर सकते हैं तो करते हैं। 9 अंक का महत्व तो क्या है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नौ अंक जो है वो पूर्ण अंक कहलाता है, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। उसको जो है पूर्ण माना गया है। तो 9 अंक का अर्थ क्या निकलता है? अब देखिए कि 9 दिन जो है, 9 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं, अब सोचिएगा जरा। आपके 9 में जब हम जो है कॉम्बिनेशन करते हैं 1 और 8 का, तो 9 बनता है। भगवद गीता में 18 चैप्टर हैं, 8 और 1 9। 18 दिन युद्ध हुआ, 8 और 1 9। 18 क्षौनी सेना थी, 8 और 1 9। 9वां चैप्टर भगवद गीता का सीक्रेट नॉलेज है, किंग ऑफ नॉलेज। उपनिषद 108 है, 8 और 1 9। पुराण 18 है, 8 और 1 9। गोपियां 108 है, 8 और 1 9। मेन सखी 8 है, 8 सखियां और 1 राधा जी, 9। भक्ति नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम 9। 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख, 1 उपस्थ, 1 उदा। 9 ओपनिंग्स हैं। आपकी माला के अंदर 108 मनके हैं, 8 और 1 9। कृष्ण की 108 पत्नियां थी, 8 और 1 9। भगवत धाम जाने के लिए 9 स्टेप है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, प्रार्थना, वृत्ति।
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम, वो भी 9 है। आपके जीवन के अंदर भी जो है 9 की स्थिति है, इम्प्रेगनेशन अर्थात भ्रूण बनना, बच्चे का पलना, जन्म होना, बचपन आना, चाइल्डहुड है, यूथ है, मिडल एज है, ओल्ड एज है एंड डेथ है। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 8 और 1 9। नवरात्रे 9 आते हैं, बच्चा 9 साल 9 महीने पेट में रहता है, रामनवमी 9वें दिन आती है, कृष्ण 8वें दिन आए परंतु 9वें दिन गोकुल में पहुंचे। तो इस तरह जो है 9 का बहुत महत्व है, इसको समझना चाहिए, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी हमने जो है अभी महात्म्य कर लिया है भागवत का, अब हमारा जो है स्टार्ट होगा इसके बाद प्रथम स्कंध, प्रथम स्कंध की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे।